गाइस पता नहीं सिंचन ने मुझसे इतना सारा गोल्ड क्यों मंगवाया है। गाइस बोला कि डॉक्टर मिक्सरहल के पास जाओ फ्रैंकली भैया और वहां से जाकर काफी सारा गोल्ड लेकर आओ। और डॉक्टर मिक्सरहल से एक फोन भी लेकर आया था मैं सिंचन के लिए। सिंचन, अरे आगे फ्रैंकली भैया आप? अरे हाँ भाई मैं आ गया। और ले तेरे लिए एक स्मार्टफोन भी लेकर आया हूँ डॉक्टर मिक्सरहल से। अरे फ्रैंकली भैया आपने काफी टाइम लगा दिया आने में। अरे हाँ भाई मैं करता क्या, वहां पर डॉक्टर मिक्सरहल थे ही नहीं। चल भाई अब तू मुझे मेरा इनाम दे दे, तूने जैसे बोला था ना कि मैं तेरा काम करूंगा तो तू मुझे इनाम देगा। अरे हाँ फ्रैंकली भैया बोला तो था, आप चिंता क्यों करते हो, अभी मैं आपको आपका इनाम देता हूँ। अरे वाह गाइस अब तो मुझे मेरा इनाम मिलेगा भाई, मजे आएंगे। अभी देता हूँ ये तो, ये लो। अरे बाप रे ये क्या, अरे सिंचन ये कैसा इनाम दे रहा है तू भाई, क्यों मार रहा है मुझे। अरे फ्रैंकली भैया आप इसी लायक हो, आपको यही इनाम मिलना चाहिए। हाँ अरे बाप रे गाइस देखा आप सभी ने, सिंचन बिल्कुल पागल हो गया है, सिंचन मुझे मार रहा है। मजे आ गए, मैंने फ्रैंकली भैया को तो ठोक दिया अपनी गन की मदद से। अभी जल्दी से मैं यहाँ पर अपना स्मार्टफोन निकालता हूँ, मेरे पास में काफी ही सारा गोल्ड है और शॉप खोलेंगे और मजे से सूट खरीदेंगे। गाइस ये सिंचन क्या कर रहा है स्मार्टफोन सर गोल्ड से, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। अभी गाइस मुझे यहाँ पर होश तो आ ही गया है, एक काम करते हैं यही छुप जाते हैं और गाइस छुप कर देखेंगे कि आखिरकार ये सिंचन करना क्या चाहता है। अरे वाह मेरी शॉप पर तो काफी महंगे महंगे सूट अवेलेबल है और मेरे पास में 100 मिलियन डॉलर है। चलो अभी जल्दी से इसी वाले सूट को बाय करेंगे और अपने साइज को बढ़ाएंगे। ओ माय गॉड गाइस ये मैं क्या देख रहा हूँ, लिटरली मैं गाइस यहाँ पर देखिए सिंचन का साइज तो काफी ही ज्यादा बढ़ गया, सिंचन तो यहाँ पर आइस गॉड बन गया। अरे वाह अब मेरे से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। अरे हाँ भाई सिंचन बोल तो तू सही रहा है, सिंचन सिंचन मेरे भाई। अरे क्या बात है फ्रैंकली भैया। अरे गाइस देखिए ये रहा सिंचन का फोन, चलो गाइस एक काम करते हैं इस फोन को ही उठा लेते हैं भाई, उसके बाद देखना मेरा साइज बढ़ेगा। अरे फ्रैंकली भैया आप मेरा स्मार्टफोन चुराने आए हो, ये लो मैं आपको खत्म कर दूंगा, मैं तो समझ रहा था आप मेरे से माफी मांगोगे। अरे बाप रे गाइस देखा सिंचन मुझे मार रहा है और मुझे से माफी मंगवा रहा है, अरे भाई तू कहीं पागल हो गया है क्या। गाइस देखिए सिंचन का साइज उसकी एज तो यहाँ पर 99999 हो चुकी है और गाइस मेरी यहाँ पर हालत ही खस्ता कर दी सिंचन ने, अभी फिलहाल तो मेरी एज यहाँ पर सिर्फ 29 साल है। गाइस देखिए सिंचन कितना पावरफुल हो गया, अब तो उसका आग भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है भाई। गाइस अब मैं क्या करूं मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, गाइस सिंचन ने मुझे बहुत मारा है। अभी एक काम करते हैं उस स्मार्टफोन को तो भाई साहब हम लेके रहेंगे, अभी यहाँ पर रात होने का इंतजार करते हैं, जैसे रात हो जाएगी ना हम रात में हाथ साफ कर देंगे उस फोन पर भाई। गाइस देखिए यहाँ पर रात भी हो चुकी है, चलो गाइस एक काम करते हैं मेरे पास में एक ऐसी दूरबीन है कि मैं अपनी उस दूरबीन की मदद से घर के अंदर तक का पता लगा सकता हूं कि घर के अंदर क्या रखा हुआ है, तो गाइस चलो अब उस दूरबीन से ही देखते हैं। ओ भाई साहब देखिए यहां पर सिंचन का ये आइस गॉड हल्का सूट कितना ही ज्यादा खुश है, कितना ही नाच रहा है यहां पर, ढोलक बजा रहा है भाई साहब, और सिंचन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है, सिंचन भी नाच ही रहा होगा जरूर से। अरे बाबा बाबा मजे आ गए। गाइस देखिए मैंने आपसे बोला था ना कि सिंचन भी नाच रहा होगा, गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा खुश है। चलो गाइस जल्दी से हम अपना काम शुरू करते हैं, घर के अंदर ढूंढना शुरू करते हैं भाई साहब उस फोन को, हो सकता है कि सिंचन ने उस फोन को घर के अंदर ही रख दिया हो। अरे भाई साहब अगर वो मुझे मिल गया ना तो फिर मैं भी अपने साइज को बढ़ा पाऊंगा। अरे मिल जा भाई मिल जा, काश यहीं रखा हो कभी तो। एक मिनट गाइस देखिए, अरे ये रखा हुआ स्मार्टफोन भाई, अरे वाह यहाँ पर तो कुछ पैसे भी रखे हुए हैं और स्मार्टफोन भी। चलो गाइस जल्दी से उस स्मार्टफोन को लेने के लिए चलते हैं और पैसे को भी, जिससे पहले सिंचन को पता चले कि मैंने वो स्मार्टफोन ले लिया। गाइस उससे पहले मुझे लेके यहाँ से भागना होगा। गाइस कहाँ गया भाई जल्दी चलते हैं। ओ भाई सब देखिए ये रहा वो स्मार्टफोन और यहाँ पर कुछ पैसे भी हैं। चलो गाइस पैसे को तो अपने अकाउंट के अंदर ऐड कर लेते हैं और भाई सब यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन रखा है इसको ले लेते हैं। ओ भाई मैंने जैसे पैसे उठाए सिर्फ ये तो $1 के ही बैठे, चलो खैर कोई नहीं अभी मैंने यहाँ पर स्मार्टफोन तो ले लिया है। गाइस ये तो बहुत ही महंगा स्मार्टफोन है, डॉक्टर मिक्सरहल ने इसे पूरे $50 मिलियन में दिया था भाई, इतना महंगा स्मार्टफोन है। चलो गाइस जल्दी यहाँ से निकलते हैं, कहीं सिंचन को जरा भी भनक पड़ गई ना कि मैं यहाँ पर स्मार्टफोन चुरा के ले जा रहा हूँ तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ओ गाइस देखिए अचानक से यहाँ पर दिन भी हो गया भाई, चलो गाइस एक काम करते हैं
जल्दी यहीं पर स्मार्टफोन निकालते हैं और अपनी शॉप खोल कर देखेंगे भाई। अरे गाइस ये तो लॉक है, जल्दी इसको अनलॉक कराइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हार्ट वाली इमोजी स्पैम कर दीजिए, उससे क्या यहाँ पर शॉप अनलॉक हो जाएगी। अरे वाह गाइस देखिए यहाँ पर शॉप तो अनलॉक हो चुकी है। शॉप पर $1 से लेके $100 million तक के सूट है। चलो गाइस जल्दी से, मेरे पास $1 है तो इसे बाय करके देखते हैं भाई। ओ माय गॉड लिटरली मैं गाइस देखिए मैं तो यहाँ पर ग्रीन हल्क बस्टर बन गया। अरे वाह गाइस मेरे पास तो काफी खतरनाक पावर आ गई। अभी मैं सिटी में आया हूँ और पैसे कमाने के लिए भाई, और यहाँ से पैसा कमा कर अपने सूट को और ज्यादा अपग्रेड करेंगे। अरे बाप रे गाइस ये क्या हो गया, अचानक से हमारे लॉस सैंटोस में इतनी गर्मी कैसे फैल गई। गाइस देखिए यहाँ पर इंसान कैसे पिघल रहे हैं भाई, सब क्या हो रहा है, वो तो सब काला धुआं बन रहा है। ओ नहीं गाइस कहीं मैं भी ना पिघल जाऊं। अरे बाप रे जल्दी मुझे यहाँ से भागना होगा। नहीं 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 नहीं, ओ भाई नहीं। ओ गाइस ये सब क्या चल रहा है, ओ भाई मेरे अंदर आग लग गई, कोई बचाओ कोई मेरी मदद करो। अरे मैं यहाँ पर जल के मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे अपना साइज बढ़ाना है। अरे कोई हमारी मदद करो, कोई हमें बचाओ। अरे गाइस देखिए यहाँ के इंसान भी हेल्प मांग रहे हैं और गाइस मैं भी, मैं क्या करूँ, मुझे जल्दी अपने शरीर में लगी आग को बुझाना ही होगा। गाइस मैं क्या करूँ मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट गाइस ये क्या है, अरे ये तो न्यूज आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, हमारा लॉस सैंटोस बर्बाद होने वाला है क्योंकि माउंट चिलियर पर बैठा लावा गॉड तपस्या कर रहा है गर्मी बढ़ाने के लिए। ओ नो गाइस ये सब क्या चल रहा है, लावा गॉड माउंट चिलियर पे बैठकर तपस्या कर रहा है गर्मी बढ़ाने के लिए लॉस सैंटोस के अंदर। अच्छा इसका मतलब ये गर्मी जब भी इतनी बढ़ रही है भाई, अभी जल्दी जाके मैं बात करूंगा। ओ भाई ये तो लावा रिवेंजर हल्क गॉड है भाई, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। हाल तू जलाल तू, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, अब ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। अरे गाइस देखिए ये कैसी कैसी यहाँ पर भाई सब मंत्र मार रहा है शहर को बर्बाद करने के लिए। ए लावा रिवेंजर हल्क कौन है बच्चा? मैं हूँ यहाँ पर फ्रैंकलिंग। फ्रैंकलिंग तो यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं यहाँ पर अपने शहर को बचाने के लिए आया हूँ और शहर को बचाने के लिए तुझसे बात करनी जरूरी है। ये सब तू क्या कर रहा है, तू यहाँ से चला जा, हमारे शहर में गर्मी बहुत हो रही है, ये क्या कर दिया? मैं तुझे खत्म कर दूंगा कीड़े, मैं तेरी बात सुनूंगा कीड़े की, तू अब यहाँ पर नहीं बचेगा। नहीं बचाओ कोई मेरी मदद करो। अरे दोस्तों मैं यहाँ पर मरना नहीं, अभी और जीना चाहता हूँ, इस तरह से तो इलावा रिवेंजल गॉड मुझे मार डालेगा। हाँ तुम मरेगा कीड़े। नहीं ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, एक मिनट मुझे याद आया कि मेरे पास एक ऐसी गन है, अगर मैं उस गन की मदद से इसको शूट करूंगा ना तो भाई साहब ये बर्फ में जम जाएगा, और इसके बाद अगर ये जम गया तो सोचिए फिर सब कुछ यहाँ पर ठीक हो सकता है। चलो गाइस जल्दी से मैं अपनी उसी गन का इस्तेमाल करके अब इसको बर्फ में जमाऊंगा, क्योंकि गाइस जब घी सिंगदी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, इसलिए गाइस अब देखना मैं यहाँ पर इसके साथ क्या करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस इसने भी मेरे साथ कोई अच्छा नहीं किया है, इसने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा है, अब मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ेरे पापरे ये क्या हो गया फ्रैंकलिन, ये क्या कर दिया तूने? अरे बेवकूफ मैंने तुझे बर्फ के अंदर जमा दिया। और गाइस देखिए जैसे ही मैंने इसको बर्फ के अंदर जमाया तुरंत ही हमारे वेदर यहाँ पर नॉर्मल हो चुके हैं, और इस तरह से मैंने यहाँ पर अपने पूरे लॉस सैंटोस को बचा लिया। अरे जल्दी जल्दी आ जाओ ऑफिसर, किसने बचाया है हमारे शहर को? अरे सर जी मैंने बचाया है। अरे वाह तुम्हारा क्या नाम है बहादुर? मेरा नाम फ्रैंकलिन है। अरे वाह फ्रैंकलिन बहादुर तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हें वाकई इनाम मिलना चाहिए, सरकार ने शहर को बचाने पर इनाम रखा था पूरे $10 million का, इसलिए हम तुम्हें $10 million ट्रांसफर करने वाले। अरे वाह गाइस देखिए भाई सब मुझे यहाँ पर इनाम मिलने वाला है, और मुझे तो पता तक नहीं था भाई। भाई जाओ $10 million हम तुम्हें देते हैं, जाके मौज करो। अरे वाह गाइस मजे आ गए मेरे तो, अब तो भाई मजे ही करूंगा वाकई में $10 million में भाई, $10 million बहुत होते हैं। ठीक है ऑफिसर मैं चलता हूँ। ठीक है अपना ख्याल रखना फ्रैंकलिन। हाँ ठीक है चलो गाइस अभी जल्दी एक काम करते हैं, अभी यहीं पर अपना स्मार्टफोन निकालते हैं और अपनी शॉप पर देखते हैं कि $10 million में देखिए दूसरा सूट अवेलेबल है भाई। चलो गाइस जल्दी से इसको बाय करते हैं और देखेंगे पहनने के बाद कैसा ही होगा, मजा ही आ जाएगा भाई। चलो जल्दी से बाय नाउ पे करते हैं क्लिक। ओ माय गॉड लिटरली मैं गाइस देखिए मेरा साइज तो यहाँ पर पहले से काफी ही ज्यादा खतरनाक हो गया भाई, और मेरे अंदर इस बार
काफी अच्छी खासी पावरें भी आ चुकी हैं। अरे वाह गाइस मजे आ गए। अब देखना, अब मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबकी बैंड बजा के रख दूंगा। गाइस अब मुझे और पैसा चाहिए यहाँ पर अपने साइज को बढ़ाने के लिए। एक मिनट, ये कैसी न्यूज है? ब्रेकिंग न्यूज, टोनी स्टार्क हुआ बर्बाद। टोनी स्टार्क की जो भी मदद करेगा टोनी स्टार्क उसको इनाम देगा। बेचारा बहुत ही ज्यादा लाचार है क्योंकि उसका सूट अब उसके पास नहीं रहा, वो चुड़ चुका है। अरे गाइस ये कैसी न्यूज थी भाई, टोनी स्टार्क के घर पर चोरी हो गई, टोनी स्टार्क बर्बाद हो गया। व्हाट, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वो तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, जल्दी जाके मुझे उसकी मदद करनी होगी। और गाइस देखिए मेरी एज 999 हो चुकी है। टोनी स्टार्क भाई, अरे भाई कौन है तू? मैं बर्बाद हो गया। अरे भाई मैं फ्रैंकलिन। अरे फ्रैंकलिन भाई बहुत टाइम लगा दिया तूने आने में। अरे भाई मैंने अभी न्यूज़ देखी थी। अच्छा भाई, हाँ बता क्या हुआ? अरे भाई हुआ क्या, रेड हल्क मेरा जायंट मैग्नेटी 5 का सूट चुरा के ले गया भाई। मैं क्या करूँ, मैं कुछ मिशन करने जाता। अरे ठीक है भाई, तू बिल्कुल चिंता ना कर। गाइस देखिए मैं आ गया हूँ रेड हल्क के अड्डे पर। ए रेड हल्क, अरा कौन है? अरे मैं यहाँ पर फ्रैंकलिन। ओ भाई साहब देखिए, ये है टोनी स्टार्क का जायंट मार्केटी 5 का सूट और गाइस ये रेड हल्क ने चुरा लिया है। ए रेड हल्क, अरा क्या है, क्या पागल हो गया क्या, बोलेगा भी कुछ? अरे हाँ बोलूंगा। तो ये जो बता, ये जो सूट चुरा के लाया इसको क्यों लेकर आया? इस सूट को छोड़ दे। अरा नहीं छोड़ूंगा, इस सूट को तो मैं पूरे 2,000,000 million dollars में बेचूंगा। अच्छा 2,000,000 million dollars में? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अब रेड हल्क। अच्छा तू मुझे मारेगा कीड़े? अरे मुझे सोचकर भी हंसी आ रही है, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा वरना चला जा। अच्छा मैं यहाँ से चला जाऊँ तुझसे डर कर? तुझे तो छोड़ूंगा नहीं अब मैं रेड हल्क, देख तू कैसे पिटेगा। चल देखते हैं कौन किसको मारेगा। अरे ये क्या कर रहा है तू? ए छोड़ मेरे को। अब मैं तुझे यहाँ पर खत्म कर दूंगा फ्रैंकलिन, अब तू नहीं बचेगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रे बाप रे गाइस, देखा आप सभी ने रेड हल्क ने मुझे कितनी बुरी तरह से पीटा। इस रेड हल्क को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इस रेड हल्क की तो बैंड बजा के रख दूंगा। चलो गाइस अभी जल्दी एक काम करते हैं। गाइस यहाँ पर देखिए रेड हल्क का काफी सारा गोल्ड रखा हुआ है। गाइस क्यों ना मैं यहाँ पर इसका गोल्ड ही अपने अकाउंट के अंदर ऐड करके सूट खरीद लूँ उसकी मदद से। और यहाँ भाई आइडिया तो बहुत ही जबरदस्त है, उसके बाद देखना मैं यहां पर इसकी कैसे बैंड बजाऊंगा। चलो गाइस जल्दी से यहां पर ये जितना भी गोल्ड रखा है इस सारे गोल्ड को अपने अकाउंट के अंदर ऐड कर लेते हैं भाई। चलो चलो चलो, कहीं रेडल को पता ना चल जाए। 1, 2 और 3। ओ माय गॉड गाइस, ये तो पूरे 50 मिलियन डॉलर का बैठा। अरे वाह गाइस मजे आ गए मेरे तो। चलो गाइस यहीं पर छिपकर अपना स्मार्टफोन निकाल लेते हैं और गाइस देखेंगे 50 मिलियन डॉलर में देखिए तीसरा वाला सूट अवेलेबल है दोस्तों। चलो जल्दी से इसको बाय करते हैं और देखेंगे कि ये कैसा होने वाला है भाई, मजे ही आ जाएंगे। ओ माय गॉड लिटरली गाइस देखिए, अब तो मैं यहां पर जायंट मार्केटी 5 के सूट से पड़ा हो गया। और अब बाप रे कौन है तो? मैं हूं फ्रैंकलिन। अरे फ्रैंकलिन कीड़ा तेरा इतना साइज कैसे हो गया? मैंने तेरे पैसों की मदद से अपने साइज को बढ़ाया है रेड हल्क, अब तू नहीं बचेगा। नहीं बचाओ, अरे इसने मेरे पैसे चुराकर अपने साइज को बढ़ाकर मेरी ही बैंड बजा दी। अरे कोई तो मेरी हेल्प करो। कोई तेरी हेल्प नहीं करेगा। गाइस देखिए मैंने यहाँ पर रेड हल्क को कितनी बुरी तरह से पीटा और उसकी हालत ही खराब कर दी। चलो गाइस देखिए मैंने यहाँ पर टोनी स्टार्क का जायंट मार्केटी 5 का सूट तो ले लिया है, अभी जल्दी जाके इसे टोनी स्टार्क को वापसी कर देंगे और टोनी स्टार्क बेचारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। ले भाई टोनी स्टार्क मैं तेरा सूट लेकर आ गया। अरे वाह भाई फ्रैंकलिन तू तो बहुत ही बहादुर है, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी कि तू कभी भी वहां से नाकामयाब होकर नहीं लौटेगा। वाह वाह फ्रैंकलिन वाह वाह, तेरे लिए तो तालियां होनी चाहिए भाई। अरे वाह गाइस देखिए टोनी स्टार्क कितना ही खुश हो गया मेरे काम से। अरे बता भाई फ्रैंकलिन तुझे कितना इनाम चाहिए? अरे नहीं टोनी स्टार्क ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं तो दोस्ती में लेकर आया हूँ भाई इस सूट को, मैंने अपने दोस्त की मदद की है, मुझे तुझसे कोई इनाम विनाम नहीं चाहिए भाई। अरे नहीं फ्रैंकलिन ऐसी बात नहीं करते, क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को इनाम नहीं दे सकता? ले भाई मैंने तुझे खुद ही 100 million dollars ट्रांसफर कर दिया तेरे अकाउंट में। अरे वाह गाइस टोनी स्टार्क ने मुझे बहुत पैसे दे दिए। चलो गाइस जल्दी से अब लास्ट वाले सूट को बाय कर ही लेते हैं जब मेरे पास पैसे आ ही गए तो। गाइस पैसे बहुत है, पूरे 100 million dollars है और इतने में ही लास्ट वाला सूट भी अवेलेबल है, जल्दी देखते हैं। ओ माय गॉड लिटरली गाइस देखिए मेरी एज तो यहां पर भाई साहब 999999999 प्लस की हो चुकी है और मैं यहां पर जायंट ग्रीन हल्क बस्टर पर्सियस बन गया भाई साहब। गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट में बताइए और ये जो आपके सामने स्क्रीन पर वीडियो आ रहे हैं इन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, काफी ज्यादा मजा आएगा। बाय बाय दोस्तों।